हेलो हेलो, तो स्टार्ट करते हैं वीकली अपडेट की रिकॉर्डिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ वीकली अपडेट, जहां पर पूरे वीक का रिकैप जो है वो हम देखेंगे। तो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज क्रिप्टो इंडस्ट्री में मिस करिए, डोंट वरी, मैं हूं ना। क्रिप्टो इंडिया का वीकली अपडेट आपको पूरा अपडेट जो है एक ही वीडियो में यहाँ पर करेगा। तो वील बी टॉकिंग अबाउट भाई इस वीक के अंदर क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर हुई हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम चार्ट्स पे और देखते हैं करंटली बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है। हे गाइस, तो बिटकॉइन का अपडेट देखिए, उससे पहले आप सबको हैप्पी दशहरा। जैसा अभी दशहरा यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, वैसा ही दशहरा हमारे बिटकॉइन के चार्ट में भी बन गया है, जहां पर बिटकॉइन $35,000 तक यहाँ पर चला गया। तो एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है और क्या चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो अगर हम करंटली देखेंगे, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि बिटकॉइन के लिए अभी इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल जोन है वो है हमारा अंबुजा सीमेंट, दैट इज अराउंड $30,000, जिसको बिटकॉइन ने पहले भी काफी बार ट्राई किया है, 30, 32, 33 तक गए भी है, लेकिन इन दी एंड वी गॉट रिजेक्ट। तो हमको देखना ये है कि सबसे पहले ये लेवल ब्रेक होता है कि नहीं होता है। ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो बिटकॉइन की प्राइस के लिए इट कैन मेक इट और ब्रेक इट। एंड आज अगर हम फाइनली देखेंगे तो बिटकॉइन प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर $35,000 पे चली गई, जो इतनी जल्दी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट $35,000 के लेवल पे हम रीच कर गए, विच इज इन अ वे गुड थिंग। एंड अगर आप देखेंगे लास्ट वीडियो के अंदर भी आई मेड लाइक अ मैक्स रीच पॉइंट बिफोर 2024 की, मतलब 2024 से पहले एक बार ये लेवल टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये कि अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, एंड ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे इट गोज बैक टू ऑल द वे टू August 2022। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो मैक्स रीच पॉइंट था, फिर April 2023 में हमारा मैक्स रीच पॉइंट था, और इन्हीं को जब ज्वाइन किया तो हमारी ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली इसी जोन पे आती है। सो दिस इज वाई इन अ वे आई वॉज कंसिडरिंग कि एक मैक्स रीच पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, बट कैन बी रॉन्ग एज वेल। तो अभी अगर जो प्राइस आई है, वट आई वॉन्ट टू सी इज कि अभी एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि हम अंबुजा सीमेंट के ऊपर आ गए, ठीक है। दूसरी अच्छी चीज़ यहाँ पर ये हुई है, एक जो खतरा हमारा मंडरा रहा था यहाँ पर 20 और 50 मंथली मूविंग एवरेज का, उस पर देखो एग्जैक्टली सपोर्ट हमारा बनके हम इस मंथ के अंदर अच्छा बाउंस कर गए, उससे काफ़ी दूर आ गए हैं, दैट इज इन अ वे वेरी गुड थिंग। व्हाट आई वांट टू सी इज कि अभी जो बिटकॉइन की प्राइस है, अगर यहाँ से रिट्रेस भी करती है, पॉसिबली देखो ऐसा हो सकता है कि प्राइस थोड़ी सी इस तरह से यहाँ पर आए एंड फिर एक सेकेंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर जाए, दैट इज समथिंग विच आई थिंक पॉसिबली कैन हैपन है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट आई वांट टू सी इज कि अब हम ये अंबुजा सीमेंट है इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। अंबुजा सीमेंट ब्रेक हो गया वो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ डेली के अंदर है ना, हम वीकली में क्लोज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए वो मंथली, क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट के अंदर देखोगे तो यू कैन सी हेयर दिस इज द एग्जैक्ट जोन जहाँ पर मंथली में वी हैव बीन हेयर सो मेनी टाइम्स, एंड यू कैन सी ये देख सकते हो आप मंथली में, ये देखो यहाँ पर आप ये 30 से लेके 34 का है। तो इसी अकॉर्डिंग इसका जो लोअर जोन बन जाता है दैट इज अराउंड 30, एंड इसलिए आई वांट टू सी कि मंथली में हम इस लेवल के ऊपर क्लोज करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं इन अ वे दैट इज गुड, एंड एज वी हैव बीन सेइंग कि बुल मार्केट की जो स्टार्टिंग है वो 2024 से स्टार्ट हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम पेन ऑलरेडी निकल चुका है। अब इस साल के अंदर भी 2 महीने यहाँ पर बाकी हैं, और इन अ वे अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ी चीज़ जो बुल मार्केट को ट्रिगर कर सकती है, तो एक तो बिटकॉइन हैविंग है, दूसरी ये है कि बिटकॉइन स्पॉट ETF का अप्रूवल। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे जनवरी के अंदर फर्स्ट बिटकॉइन ETF जो है आर्क इन्वेस्ट का, वो US की एप्लीकेशन डेडलाइन, तो अगर वहाँ पर वो अप्रूव होने वाला है तो उस डेट के अंदर इतना डिफरेंस रह नहीं गया, मतलब 2-3 महीने रह गए, और ये बिटकॉइन स्पॉट ETF भी जब अप्रूव होंगे पॉसिबिलिटी ये है कि एक साथ बहुत सारे हो सकते हैं। और एक चीज़ ये देखोगे जो बिटकॉइन स्पॉट ETF में पहली जो एप्लीकेशन है आर्क इन्वेस्ट की, वो उसकी डेडलाइन है January 2024 के अंदर। तो जनवरी देखोगे इतना टाइम रहा नहीं है, 2-3 महीने की बात है, एंड अगर एक बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव हुआ तो बाकी भी हो जाएंगे, जैसे ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इतने बड़े बड़े जायंट जो नेम्स हैं, और बेचारा हमारा ग्रेस्केल जो अटकाए बीच में, तो उनकी भी एप्लीकेशंस हैं। तो अगर अप्रूव होगा तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे बिटकॉइन स्पॉट ETF एक साथ अप्रूव हो सकते हैं। अगर वो हुए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सारे फर्म्स को बिटकॉइन बाय करने पड़ेंगे, फ्यूचर ETF में नहीं बाय करने पड़ते हैं, लेकिन स्पॉट ETF में बैकिंग रखनी पड़ेगी। तो ये कहाँ से बाय करेंगे, ये मार्केट से बाय करेंगे, और वो बिटकॉइन प्राइस के साथ क्या करेगा, प्लस जो और मनी फिर आएगा, और फिर जो एक फोमो क्रिएट होगा जब लोगों को दिखेगा कि अरे इतने बड़े बड़े फर्म जो बोलते थे कभी कोई बिटकॉइन बेकार है, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, जब उनको दिखेगा रियलाइज़ करेंगे कि एक्चुअली में ऐसे स्पॉट बिटकॉइन ETF आ रहे हैं, बड़ी फर्म्स आ रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ओपन अप हो जाएंगे, और फिर बिटकॉइन हैविंग। तो उसी अकॉर्डिंग आई फील अभी थोड़ा सा जो सेंटिमेंट है हमको प्ले आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट पॉसिबली मूव, मतलब मोटा मोटा ये है, आई वॉन्ट टू सी $30,000 के ऊपर हम यहाँ पर सस्टेन करते हैं कि नहीं करते हैं। मूवमेंट वाइज अगर मैं स्पेकुलेट करूँ समथिंग लाइक दिस, कि थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आके कहीं पर 30-31 पे आके एंड फिर एक नेक्स्ट अटेम्प्ट की कोशिश करें, लेकिन इसके नीचे चले जाएंगे तो वो रीवैल्यूएशन वाली बात हो जाएगी। फंडिंग रेट देखेंगे तो सारी की सारी बुलिश यहाँ पर हो चुकी है, तो वो इन अ वे इट्स नॉट गुड, थोड़ा सा डर यहाँ पर बेटर रहता।
सो दिस इज ओवरऑल गाइज बिटकॉइन अपडेट. बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड हैप्पी दशहरा टू यू ऑल अगेन. अब नेक्स्ट मूविंग ऑन थोड़े से मैक्रो अपडेट देखते हैं तो महंगाई की बात करते हैं. तो लास्ट वीक हमने बात करी थी कि यूएस के और इंडिया के जो इन्फ्लेशन नंबर्स है वो यहाँ पर निकल के आए थे. तो इस वीक यहाँ पर यूके के इन्फ्लेशन नंबर जो है वो निकल के आए फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर केम आउट एट 6.7%. अगर आप देखेंगे अगस्त मंथ के अंदर भी इन्फ्लेशन नंबर 6.7% पे थे तो इतना कोई बड़ा चेंज यहाँ पर नहीं आया. साथ में यूएस के एफओएमसी के चेयरमैन जेरोमी पावल की यहाँ पर एक स्पीच थी जहाँ पर बेचारे स्पीच स्टार्ट करते उससे पहले क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने वहाँ पर स्लोगनबाजी कर दी. काफी टाइम के लिए उनको ऑफ स्टेज भी लेके जाना पड़ा बट फाइनली ही मेड इट बैक एंड उन्होंने अपनी स्पीच यहाँ पर दी जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि अभी जो हमने इतनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया और इतनी जो मेहनत करी इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए वहां पर अभी हमको इकोनॉमिक डेटा के अंदर थोड़ी सी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है और इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर कम हो रहा है. साथ में लेबर मार्केट कंडीशंस भी थोड़ी सी कूल डाउन कर रही है और स्ट्रांग इकोनॉमिक ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है. फेडरल रिजर्व का अभी भी एम है कि आने वाले टाइम पे वो 2% जो उनका एम रहता है कि वहां तक इन्फ्लेशन होना चाहिए जिससे अभी ऊपर ही चल रहे वहां पर वो उसको लेके आए. लेकिन एक तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पर एफओएमसी की चेयरमैन बोल रहे हैं 2% इन्फ्लेशन पे हमको जाना है लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट जहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो नए बिल्स को पास करने की प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ पर वो और डॉलर्स को प्रिंट करना चाहते हैं एंड यूजुअली वो इन बिल के अंदर किसी कंट्री को भी साथ में ऐड कर देते हैं. जैसे अब यूक्रेन को ऐड करके काफी सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट करके यूक्रेन को दिए और वैसे ही वो और बिल यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि अब इसराइल के लिए भी और यूक्रेन के लिए अलग से और ज्यादा डॉलर्स जो है यहाँ पर प्रिंट. और यही एक ब्रोकन सिस्टम है विच इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ फिएट करेंसीज क्योंकि फिएट करेंसीज की बैकिंग नहीं है तो जितना प्रिंट करना है उतना यहाँ पर प्रिंट करो बट इन दी एंड सफर कौन करते हैं नॉर्मल सिटीजंस क्योंकि महंगाई जो है वो उनके ऊपर गिरती है. बाकी नेक्स्ट अगर इस वीक की न्यूज की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेक न्यूज के साथ जहां पर भाई इस हफ्ते कॉइन टेलीग्राफ ने ट्वीट को पब्लिश कर दिया कि ब्लैक रॉक का बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ हो चुका है अप्रूव. ये न्यूज इतनी बड़ी बन गई कि ब्लूमबर्ग टर्मिनल जिसको न्यूज के लिए सब लोग फॉलो करते हैं वहां तक ये पब्लिश हो गई. जब ये न्यूज पब्लिश हुई बिटकॉइन प्राइस $30,000 तक गई लेकिन उसके बाद न्यूज निकल के आई कि भाई ये न्यूज जो है ये फेक है ये रियल नहीं है. कॉइन टेलीग्राफ ने बोला कि न्यूज यहाँ पर गलत है और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी तरह से हमने गलत न्यूज को पिक कर दिया और हमने यहाँ पर पब्लिश कर दिया. बट जब तक उन्होंने ये रियलाइज किया तब तक डैमेज हो चुका था. बहुत सारे ट्रेडर्स जो थे यहाँ पर लिक्विडेट हो गए. अप्रॉक्सिमेटली 100 मिलियंस ऑफ डॉलर्स विद इन 24 आवर्स के अंदर यहाँ पर लिक्विडेट हो गए. इनफैक्ट SEC ने भी यहाँ पर ट्वीट को पब्लिश कर दिया बोलते हुए कि भाई अगर कोई न्यूज आ रही है SEC की तो हम बताएंगे तुमको किसी और चीज को तुम यहाँ पर ट्रस्ट मत करो. एंड इन अ वे SEC तो ऑलरेडी बोल रहा है कितना मैनिपुलेशन यहाँ पर है तो इन अ वे दिस इंटायर इवेंट वॉज नॉट गुड. एंड कॉइन टेलीग्राफ ने ऐसी चीज इंटेंशनली करी या गलती से हो गई जो भी थी उसका डैमेज कहीं ना कहीं यहाँ पर है. बट इन अ वे इट गिव्स एन आइडिया कि आप देख सकते हो यहाँ पर आप मतलब ऑथेंटिक कॉइन टेलीग्राफ भी काफी ऑथेंटिक माना जाता है लेकिन उसको भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. एंड हाउ इट एंडेड अप ऑन ब्लूमबर्ग टर्मिनल मतलब ये ट्वीट करने के बाद सो इट्स वेरी क्रेजी. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल मतलब इट्स अ क्रेजी वाइल्ड इन क्रिप्टो व्हेन यू टॉक अबाउट इट. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन ग्रेस्केल वर्सेस SEC केस के अंदर फाइनली यहाँ पर ग्रेस्केल केस को विन कर चुकी है. आने वाले टाइम पे देखेंगे कि SEC किस तरह से उनकी बिटकॉइन स्पॉट ETF की एप्लीकेशन को यहाँ पर देखते हैं. लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल करेंसी ग्रुप के लिए जो पेरेंट कंपनी ग्रेस्केल के लिए उनके लिए यहाँ पर खड़ी हो गई है. लास्ट वीक यहाँ पर न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल ने सू किया जेमिनी एक्सचेंज और डिजिटल करेंसी ग्रुप को फॉर फ्रॉड चार्जेस. ये जो चार्जेस है ये लगाए गए जेमिनी एक्सचेंज और जेनेसिस जिसकी पेरेंट कंपनी भी डिजिटल करेंसी ग्रुप है उनके बीच में कुछ क्रिप्टो को लेकर यहाँ पर एक डिस्प्यूट चल रहा है. इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है यू कैन चेक दैट आउट. एंड उसी केस को लेकर फ्रॉड चार्जेस यहाँ पर लगा दिए. अब अगर आप देखोगे एक तरफ डिजिटल करेंसी ग्रुप का ग्रेस्केल उन्होंने बिटकॉइन स्पॉट ETF के लिए SEC के अगेंस्ट में केस को विन किया एंड जैसे ही केस को विन किया पेरेंट कंपनी के अगेंस्ट में यहाँ पर बड़े फ्रॉड चार्जेस आ गए. काफी लोगों का यहाँ पर ही बोलना है कि ग्रेस्केल अगर बिटकॉइन स्पॉट ETF के लिए अप्लाई भी कर रहा है तो अब SEC के पास एक नया बहाना ये हो सकता है. वो ये बोल सकते हैं कि जब पेरेंट कंपनी के ऊपर फ्रॉड चार्जेस लग चुके हैं तो जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती हम कैसे उनको ये अप्रूवल दे सकते हैं. इनफैक्ट यहाँ पर डिजिटल करेंसी ग्रुप के लिए और भी प्रॉब्लम है जहाँ पर अगर आप देखेंगे जेनेसिस जो बेसिकली क्रिप्टो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और जिसकी जो पेरेंट कंपनी वो डिजिटल करेंसी ग्रुप है जो ग्रेस्केल की भी पेरेंट कंपनी है उनको यहाँ पर एक सपीना भी दिया गया है टेरा लूना के कोलैप्स के अंदर जहाँ पर जेनेसिस को ये बोला था कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर प्रेजेंट करो और कंप्लाई करो उनको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चाहिए एंड जिसकी डेडलाइन वैसे 9th ऑफ अक्टूबर थी लेकिन उन्होंने इस डेडलाइन को मिस कर दिया कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करें तो उसको लेकर उन्होंने फिर से यहाँ पर ऑर्डर दिया कि 5 डेज के अंदर आप जो ये डिटेल्स है हमको प्रोवाइड करो. अगर आप देखेंगे जब टेरा लूना कोलैप्स हुआ 3 एरो कैपिटल कोलैप्स हुआ तो उस टाइम पे जेनेसिस ने भी अपनी बैंक्रप्सी को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि यहाँ पर जेनेसिस ने काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ अपने जो क्रिप्टो हैं वो यहाँ पर एक तो एलिमेडा रिसर्च को दिए थे साथ में 3 एरो कैपिटल को भी यहाँ पर दिए थे तो उसी का पूरा जो ये एक वेब ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है या वेब ऑफ प्रॉब्लम्स जो इतनी यहाँ पर आई थी वही यहाँ पर चल रही है. बट ऑल दिस लीड्स टू अ बिग प्रॉब्लम फॉर डिजिटल करेंसी ग्रुप जो इन्हें यहाँ पर ग्रेस्केल की बिटकॉइन स्पॉट ETF के लिए केस विन कर चुके हैं SEC के अगेंस्ट में
तो इसलिए भी काफी हर्डल जो है डिजिटल करेंसी ग्रुप के लिए यहाँ पर बन जाती है। लेकिन बिटकॉइन स्पॉट ETF की बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर डिजिटल करेंसी ग्रुप या उनका ग्रे स्केल नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर बड़ी ट्रेडिशनल फर्म्स हैं जिनके लिए यहाँ पर रास्ते भी ओपन है और वो भी रेस में भाग रहे हैं एक दूसरे के साथ कि भी मेरी एप्लीकेशन फर्स्ट, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर फर्स्ट। यहाँ पर SEC ग्रे स्केल के अगेंस्ट में केस को हारने के बाद काफी प्रोग्रेसिवली यहाँ पर अभी कम्युनिकेट कर रही है जितनी भी ETF एप्लीकेशन की फर्म्स हैं उनके साथ। उनका भी ये बोलना है कि SEC जब इस तरह से कम्युनिकेट करती है तो वो एक गुड हिंट देता है कि शायद SEC यहाँ पर चीजों को कंसिडर कर रही है। पॉसिबली हो सकता है कि जनवरी या अगस्त 2024 हाविंग से पहले कोई एक बिटकॉइन स्पॉट ETF यहाँ पर अप्रूव हो जाए। देखो फेक न्यूज से इतना बिटकॉइन पंप हो गया था तो एक्चुअल न्यूज से क्या होगा, तो आ जाएगा, थोड़ा भी समय है, दुख दर्द वाला भी निकाल लेंगे जितना टाइम है, सह लेंगे थोड़ा सा। और फिर 2024 में जो अपना नेक्स्ट बुल रन की स्टार्टिंग होपफुली यहाँ पर हो जानी चाहिए, व्हाट यू थिंक, होगी कि नहीं होगी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन SEC की बात करी तो SEC वर्सेस रिपल केस के अंदर फाइनली यहाँ पर SEC ने रिपल के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे उनके अगेंस्ट में चार्जेस को ड्रॉप कर दिया है। एंड अगर आप देखेंगे ये जो चार्जेस ड्रॉप किए इसको कम्युनिटी ने काफी बड़ी विन की तरफ से यहाँ पर देखा, लेकिन SEC का एक इसके पीछे प्लान है जहाँ पर अभी तक दे हैव बीन टेकिंग सो मेनी लॉसेस। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज देखी कि एक रूलिंग कोर्ट ने जो उनके फेवर के अंदर दी थी वो ये थी कि यहाँ पर XRP की जो इंस्टीट्यूशंस को सेल है वो यहाँ पर सिक्योरिटीज में आती है, एंड अगर वो फाउंडर्स के पीछे जाते तो और लंबा ये ट्रायल खिंच सकता था, तो इसलिए उस पर थोड़ा फास्ट मूव करने के लिए उन्होंने इन चार्जेस को ड्रॉप किया है। एंड अब वो ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर XRP की जो इंस्टीट्यूशन को सेल हुई है उसको फॉलो करते हैं और वहां पर अगर जीत जाए तो बड़ा ह्यूज सेटलमेंट जो है वो रिपल के साथ करने की कोशिश करेंगे, जहां पर कुछ मिलियन डॉलर्स उनको जो है यहाँ पर मिल जाए। भाई इतना खर्चा भी तो हो रहा है, इतना कोर्ट वोट पे लॉयर वॉयर सब कुछ लेके जा रहे हैं और हारे जा रहे हैं बेचारे, तो वही वो चीज जो है यहाँ पर उन्होंने प्लान करके इन चार्जेस को ड्रॉप किए हैं। जहां पर अब नेक्स्ट इनकी मीटिंग होगी 9th of November को, यहाँ पर SEC और रिपल मिलेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप्स इस लीगल बैटल के ऊपर डिसाइड होंगे। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे चीजें जो है वो किस तरह से प्ले आउट करती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर PML जिसके अंदर इस साल की स्टार्टिंग के अंदर ही क्रिप्टो को भी इंक्लूड कर दिया गया, उसके ऊपर एक अमेंडमेंट आ गया कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 50,000 या उससे ज्यादा का तो उसके ऊपर और फर्दर स्क्रूटनी हो सकती है एंड आपको और ज्यादा रिकॉर्ड कीपिंग रखनी पड़ेगी, किसको सेंड किए, क्यों सेंड किए, क्या उसका पर्पस था और KYC डिटेल्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें, मतलब और निगरानी रखी जाएगी कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहे हैं और किधर यहाँ पर जा रहे हो, और फर्दर स्क्रूटनी उसके ऊपर हो सकती है। एंड क्योंकि PMLA के अंदर अब यहाँ पर क्रिप्टो भी आ चुका है तो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के ऊपर भी ये इंप्लीमेंट होगा। अब किस तरह से होगा उसको लेकर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है तो उसको आप डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इन रीसेंट वीक्स काफी लोगों ने नोटिस किया कि विटालिक अपने वॉलेट से काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रिप्टो या इथेरियम एट टाइम्स एक्सचेंजेस के ऊपर, कॉइनबेस या दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर सेंड करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली टू सेल इट कि भाई बेयर मार्केट चल रहा है, विटालिक को भी पैसा यहाँ पर चाहिए। अब उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर विटालिक ने फाइनली रिप्लाई किया, जहां पर उन्होंने ये चीज बोला कि यहाँ पर मैं जो क्रिप्टो सेंड कर रहा हूँ एक्सचेंज के ऊपर, ये मैं क्रिप्टो को इसलिए सेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को सेल करना है, ज्यादातर मैं यहाँ पर चैरिटी को डोनेट करता हूँ या फिर किसी नॉन प्रॉफिट या किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर मेरे को डालना होता है पैसा, तो उस कारण इन इथेरियम को मैं सेंड करता हूँ, और फिर वो जो रिसिपिएंट है वो प्रॉब्ली हो सकता है कि एक्सचेंज के ऊपर उन इथेरियम को सेल करें। साथ में यहाँ पर विटालिक ने ये भी बोला कि 2018 से मैंने अपने पर्सनल गेन के लिए कोई भी इथेरियम यहाँ पर सेल नहीं किया। देखो सीखो विटालिक से, दिल का कितना अच्छा है, 2018 से अपने पर्सनल गेन के लिए बेचारे ने एक इथेरियम भी यहाँ पर सेल नहीं किया, और तुम थोड़ा सा बिटकॉइन यहाँ पर वॉलेटाइल हुआ तो हाई में मर गया करने लग जाते हो, बताओ मजाक हो रहा है यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर एक्सचेंज न्यूज के ऊपर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े एक्सचेंज बायनेंस की, जिनको लेके इतनी सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, जहाँ पर बायनेंस ने अनाउंस किया है कि अब वो यहाँ पर नए UK कस्टमर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिसेंटली वैसे बायनेंस ने यहाँ पर रीबिल्डिंग सोसाइटी के साथ पार्टनरशिप करी थी ताकि उनको यहाँ पर एक तरह से UK में लाइसेंस मिले, लेकिन FCA ने उसके अगेंस्ट में रीबिल्डिंग सोसाइटी को वार्निंग दे दी कि ये चीज यहाँ पर नहीं चलेगी। अब बायनेंस का ये बोलना है कि फिर से वो FCA के साथ यहाँ पर वर्क करिए, देख रही है कि किस तरह से वो UK के अंदर सर्विसेज फिर से स्टार्ट करें, लेकिन जब तक वो होता नहीं है तब तक यहाँ पर वो नए UK के यूजर्स जो है उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। साथ में यहाँ पर बायनेंस ने ये भी अनाउंस किया कि यूरोप के अंदर उनके क्रिप्टो वीजा डेबिट कार्ड काम करने बंद कर देंगे फ्रॉम 20th December 2023, मतलब उसके बाद उनके कार्ड जो है वो यूज में ही नहीं आएंगे। उन्होंने बेसिकली बोला कि आप कट करके उसको थ्रो यहाँ पर कर सकते हो, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर जो रेगुलेशन आ रहे हैं, और साथ में यहाँ पर वीजा और मास्टर कार्ड उन्होंने भी अपनी पार्टनरशिप यहाँ पर खत्म कर दी थी बायनेंस के साथ जब CFTC और SEC ने उनके ऊपर चार्जेस यहाँ पर लगाए थे, तो इसी कारण से अब उन्होंने अपने डेबिट कार्ड भी जो है उसको यहाँ पर बंद कर दिया। आई थिंक बायनेंस डेबिट कार्ड वॉज गुड, ऑल्दो आई डिडंट हैव इट, बट काफी अच्छा उसका यूज जो मैंने लोगों को देखा उसको यूज करे थे, बट इट ऑल्सो कम्स टू एन एंड। लेकिन साथ में यहाँ पर बायनेंस के साथ कुछ अच्छी चीज भी हुई, जहां पर उन्होंने फाइनली अपनी यूरो की सर्विसेज जो है वो नए फिएट पार्टनर्स के साथ यहाँ पर स्टार्ट करिए। तो अभी करंटली यही सिचुएशन चल रही है कि मतलब कहीं पर लाइसेंसेज नहीं होते हैं, सर्विसेज रुकते हैं तो रोक देते कुछ टाइम के लिए, बट दे ट्राई टू फाइंड न्यू सोल्यूशन, दिस हैज बीन हैपनिंग विद बायनेंस। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम अपबिट एक्सचेंज की बात करेंगे जिसके बारे में हमने लास्ट वीकली अपडेट में बात करी थी कि कैसे उनके ऊपर 156,000 अटैक अटेम्प्ट हुए हैं फर्स्ट Q1 ऑफ 2023 के अंदर, बेचारे अभी तक बचे हुए हैं, चलो अच्छा यहाँ पर है। तो अपबिट ने यहाँ पर सिक्योर किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल,
फॉर मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशन MPI. इसका मतलब ये है बेसिकली सिंगापुर के अंदर जो अपनी डिजिटल टोकन की जो सर्विसेज वगैरह वो अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली उनको एक तरह से लाइसेंस मिल गया कि सिंगापुर के अंदर वो रन कर सकते हैं. और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग ऑन ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, तो जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ कि हर कंट्री जो आने वाले टाइम पे वो क्रिप्टो लाइसेंसेज की रिक्वायरमेंट रखेगी. लाइसेंस नहीं है तो काम मत करो, अपने एक्सचेंज को मत रन करो हमारे कंट्री के अंदर. और ये चीज़ इंडिया के अंदर भी सूनर लेटर हमको देखने को मिलेंगी. एंड ये चीज़ जो है अभी ऑस्ट्रेलिया भी प्लान कर रहा है, जहाँ पर अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर रन करना है तो आपको जो लाइसेंस है उसको ऑप्टेन करना पड़ेगा, जहाँ पर रिकॉर्ड शेयरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए. तो वही चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया. आई थिंक इंडिया के अंदर अगले साल तक ये चीज़ हमको देखने को मिल जानी चाहिए. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूरोप के अंदर चली रही थी यूक्रेन रशिया वॉर, अब एक और वॉर यहाँ पर हमास और इसराइल के बीच में चल रही है, जहाँ पर लास्ट वीक हमने बात करी थी कि कैसे बाइनेंस ने काफी सारे हमास रिलेटेड क्रिप्टो अकाउंट जो उनको यहाँ पर बंद किया है. तो वहीं पर अभी इसराइल ने ऑर्डर किए और क्रिप्टो अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए जो फंड कर रहे थे हमास को यहाँ पर, जहाँ पर क्लोज टू 100 क्रिप्टो अकाउंट जो बाइनेंस पे थे उनको यहाँ पर क्लोज किए गए, और 200 ऐसे अकाउंट है जिन्होंने रिक्वेस्ट करे हैं जो मेनली बाइनेंस के ऊपर है कि उसको यहाँ पर फ्रीज किया जाए. इनफैक्ट यहाँ पर टेटर जो USDT को इशू करते हैं उन्हें भी अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पर 32 एड्रेसेस को फ्रीज किया, जिसके ऊपर अराउंड 873,000 USDT थे. बाकी हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर. तो एक तरफ तो है लूना और दूसरी तरफ है टेरा लूना. SEC ने ये एलेज्ड किया है कि यहाँ पर टेरा लूना का जो डीपेक होता है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे जंप ट्रेडिंग. जंप ट्रेडिंग अगर आप नहीं जाते तो काफी बड़ी एक फर्म है ट्रेडिंग वगैरह की, एनालिटिक्स वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर करते हैं. तो उन्होंने बेसिकली ये डीपेक करवाया था और उसके अंदर उन्होंने यहाँ पर $1.28 billion जो थे वो कमा लिए उस प्रॉफिट के अंदर. लेकिन यहाँ पर डोकॉन जो बेसिकली फाउंडर उनका यहाँ पर ये बोलना है कि नहीं, जंप ट्रेडिंग वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, कोई और थर्ड पार्टी थी. उनका बोलना है बेसिकली यहाँ पर LMDA या SBF थे. लेकिन SEC का ये बोलना है कि नहीं, यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल थे वो जंप ट्रेडिंग है, उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है. और जंप ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले हैं. इनफैक्ट उनके ऊपर काफी इन्वेस्टिगेशन पहले भी हो चुकी है, जहां पर अप्रैल 2014 के अंदर उनको काफी सपीना यहाँ पर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने करा था रिगार्डिंग मैनिपुलेशन. साथ में 2018 में भी $250,000 का फाइन लगाया था यहाँ पर SEC ने उनके अगेंस्ट में, जहाँ पर उनके जो ट्रेडिंग एल्गोरिदम थे उसके अंदर मैलफंक्शन यहाँ पर हो गया था. तो उनके ऊपर भी ऐसे काफी लॉसूट और एलिगेशन टाइम टू टाइम लगे हैं. अब क्रिप्टो को लेकर बड़ा पहला केस है जहाँ पर ये चीजें हो रही है. इनफैक्ट जंप ट्रेडिंग आज के डेट में क्रिप्टो में भी काफी जगह इन्वेस्टेड और इन्वॉल्व यहाँ पर है. तो वी लव टू सी अब इस चीज के अंदर भी किस तरह से प्ले आउट यहाँ पर होती है. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, टेस्ला की Q3 की फाइलिंग आ गई है. इंपॉर्टेंट ये था देखना कि भाई बच्चे कुछ बिटकॉइन उन्होंने सेल करें या कुछ बाय करें कि नहीं करें. तो अभी Q3 फाइलिंग के अंदर रिवील हुआ कि उन्होंने कोई भी और बिटकॉइन को बाय या सेल नहीं किए. करंटली अभी भी यहाँ पर टेस्ला होडल कर रहे हैं 9,720 बिटकॉइन. अगर हम देखें टेस्ला यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक कंपनी है जो बिटकॉइन को होल्ड करती है आफ्टर माइक्रो स्ट्रेटजी एंड मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स. तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट न्यूज. अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं हैक्स ऑफ द वीक. तो सबसे पहले यहाँ पर फैंटम नेटवर्क के डेवलपर के साथ हैक हो गया, जहां पर उन्होंने अप्रॉक्सिमेटली $550,000 इन क्रिप्टो करेंसी लूज किया. इनिशियल रिपोर्ट ये बोलती थी कि $7 million यहाँ पर लूज हुए, लेकिन फैंटम फाउंडेशन ने कंफर्म किया कि उनके फाउंडेशन के फंड जो है वो चोरी नहीं हुए. बेसिकली ये डेवलपर के खुद के ही फंड्स थे जो यहाँ पर चोरी हुए हैं और उसके ऊपर फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. साथ में यहाँ पर एवरेस्ट स्केल के ऊपर भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टोकन्स वर स्टोलन बिकॉज ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी. नेटवर्क जो है उसके ऊपर कोई हैक यहाँ पर नहीं हुआ था, लेकिन एक्सचेंजेस ने यहाँ पर रैप्ड एवर को सस्पेंड कर दिया ताकि ट्रांजेक्शन नहीं हो पाए. बाकी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं यहाँ पर एवर टोकन को लेकर कि भाई यहाँ पर हुआ क्या है. साथ में यहाँ पर फिलिपीन क्रिप्टो एक्सचेंज coins.ph उसके ऊपर एक एक्सप्लॉइट हुआ, जहां पर 12 मिलियन XRP टोकन्स वर्थ $6 million यहाँ पर चोरी हुए. अब बाकी हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स. तो अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक. तो ये फन फैक्ट जो है वो है US गवर्नमेंट को लेके और एक हैकर को लेके जिसने सिल्क रोड से अप्रॉक्सिमेटली 50,000 बिटकॉइन यहाँ पर चोरी किए थे. जहां पर मार्च 2019 के अंदर जेम्स थे एथेंस जॉर्जिया के अंदर, जहां पर उनको एक लोकल पार्टी बॉय और क्रिप्टो इन्वेस्टर बोला जाता था. उन्होंने एक थेफ्ट को रिपोर्ट किया कि उनके यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर चोरी हो गए. तो यहाँ पर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेशन को चालू किया और उन्होंने ये सस्पेक्ट किया कि यहाँ पर जोंग के जो फ्रेंड है उन्हीं में से किसी ने यहाँ पर उनके क्रिप्टो जो है उसको चोरी किए. बट जोंग ने उस आइडिया के साथ यहाँ पर अग्री नहीं किया. उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते. अगर आप जोंग को देखेंगे तो काफी एक मिस्टीरियस फिगर की तरह उनको देखा जाता था, क्योंकि वो काफी बड़ी बड़ी पार्टीज जो है लैविश पार्टीज वो यहाँ पर करते थे. एंड बोलते ये थे कि मैं अर्ली बिटकॉइन माइनर यहाँ पर था. यहाँ पर जो जोंग का केस हुआ उससे पहले यहाँ पर एक सिल्क रोड का केस चला था, जहाँ पर 50,000 बिटकॉइन यहाँ पर हैक में चोरी हुए थे, जिसकी अब वैल्यू $3 billion बन गई थी. तो इन्वेस्टिगेटर उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, बट दे लेड टू जोंग. यहाँ पर उनका जो यहाँ पर केस चला था कि उनके खुद के बिटकॉइन चोरी हुए, उसको लेके उन्होंने बोला कि हम आपको हेल्प करना चाहते हैं,
बट इन अ वे वो यहाँ पर आके जोंग को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि तो नहीं है जिसने वो 50,000 बिटकॉइन चोरी किए। एंड इन दी एंड उन्होंने यहाँ पर रेड किया जोंग के हाउस को, जहां पर उन्होंने कॉन्फिस्केट किए बहुत सारा कैश, क्रिप्टो और बहुत सारे डिजिटल एसेट्स। आई गेस इसी कारण से ये बोला जाता है कि खुद चोर जो होते हैं उनको कभी चोरी की रिपोर्ट यहाँ पर नहीं करवानी चाहिए। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट। अगर आपको ये वीकली अपडेट अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द एंटायर मार्केट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।